मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की नजदीकियों के साथ ही चुनाव बहिष्कार करने की खबरें भी सामने आ रही हैं, जहां इंदौर के सिंगापुर टाउनशिप में आज रहवासियों ने हाथों में चुनाव बहिष्कार के बैनर लेकर प्रदर्शन किया। इसी के चलते रेलवे ब्रिज बनाने की मांग को लेकर सिंगापुर टाउनशिप के रहवासी आज सड़क पर उतरे और हाथों में चुनाव बहिष्कार का बैनर लिए प्रदर्शन किया। बताना चाहेंगे कि सिंगापुर टाउनशिप सावेर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शहरी इलाके से टाउनशिप लगी हुई है। क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट और सांसद शंकर लालवानी सहित कई जनप्रतिनिधियों और रेलवे अधिकारियों से इस समस्या को लेकर शिकायत की जा चुकी है, किंतु अब तक कोई हल नहीं निकला दिख रहा है। आप बता दीजिए सर, हम सारे लोग बहुत परेशान चल रहे हैं पिछले करीब 2-2.5 महीने से, जब से ये रेलवे टनल का काम लगा। पहले हमको पता था टनल चौड़ी होगी, लेकिन उसकी जगह पतली और लंबी कर दी गई, और जो वैकल्पिक मार्ग था वो भी पूरा हम रोज गिरते पड़ते जा रहे थे। फिर कैसे कैसे करके ये टनल ओपन हुई। अब ये टनल ओपन हुई है तो इसमें रोज जाम लगा रहता है और पानी तो इतना ज़्यादा भर जा रहा है कि गाड़ियाँ बंद हो जा रही हैं, एक्टिवा बंद हो जा रही है। कल इस एरिया में बारिश नहीं हुई, उसके बाद भी वो कॉन्ट्रैक्टर ने इंडस से पाइप जोड़ करके और वो पूरा पानी इसमें डाल दिया। ये गटर है क्या? और हम सारे ऑफिस से आके फंस गए, सबने गाड़ियां उस पार खड़ी की, हम कब तक ये समस्या झेलेंगे? केवल एक ही सॉल्यूशन चाहिए कि हमें आरोपी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं है। गाड़ियां बह रही है, स्कूटी बाइक, तो इसमें पानी का मतलब इतना पानी भर जाता है कि गाड़ियां बह रही है।